सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों अभी थोड़े ही समय पहले की बात है कि हमारे को फ़ोन के अंदर काफ़ी बड़े बड़े बेजल्स जो हैं वो देखने को मिलते थे। साइड की बात करें, चिन की बात करें, हेड की बात करें, मतलब फ़ोन जो है उसके अंदर बीच में एक स्क्रीन होती थी और मतलब ऑलमोस्ट चारों तरफ देखें तो बड़े बड़े बेजल्स आपको देखने को मिल जाते थे। ऐसे में 2018 मतलब एक ऐसा साल रहा जहाँ पर जो है नॉच का डिस्प्ले जो है वो आ गया मार्केट के अंदर, मैं नवंबर के अंदर आ गया था 2017 के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले जो नॉच का डिस्प्ले जो लेके आया था वो एसेंशियल जो PH1 जो है वो लेके आया था। हालांकि बहुत सारे लोगों उस पर ध्यान नहीं गया क्योंकि वो एक सुपर फ्लॉप फ़ोन था। हालांकि अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, इवन अगर मैं बात करूं तो वाटर ड्रॉप जो नॉच होता है वो भी एसेंशियल PH1 के अंदर ही सबसे पहले आया था। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा ये फ़ोन था, लेकिन कभी कभी किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन जैसे आईफोन ने लॉन्च करा नॉच का डिस्प्ले, तो ऐसे में एकदम से सारी कंपनीज़ के अंदर एक बॉडी टू स्क्रीन रेशियो जो है, मतलब कि उनको लगा किस तरीके से हम स्क्रीन को ज़्यादा बड़े से बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिशन के अंदर हमारे को काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टेक हमारे को देखने को मिला। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो ओप्पो का फाइंड एक्स एक फ़ोन आया था जो स्लाइडर था, मतलब पूरा एक सामने से देखें तो उसके अंदर जो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो था कितना अच्छा था, लेकिन उस स्लाइडर की वजह से उसके ऊपर वो इम्पॉसिबल हो गया किसी भी तरीके की केसिंग को लगाना। और ऊपर से वो ग्लासी डिज़ाइन था तो ऐसा लगता था कि स्क्रैच बड़ी जल्दी उसके अंदर लग जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को करना पड़ रहा था। मी मिक्स टू एक फ़ोन आया था जिसके अंदर बिल्कुल मतलब बेजल लेस उन्होंने बोला था। हालांकि मुझे चिन के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर नज़र आया कि चिन तो है उसकी, बाकी बेजल लेस डिस्प्ले उसके अंदर आया था। फिर आया था वीवो का नेक्स और उसके अंदर उन्होंने पॉपअप कैमरा दिया। अब वीवो का V15 प्रो भी आया है जिसके अंदर उन्होंने पॉपअप कैमरा दिया है। ऐसे में कितना, और एक तो लेटेस्ट अभी देखेंगे तो दोस्तों अब इन डिस्प्ले आपको कैमरा मिलने वाले, पंच होल करके उन्होंने कैमरा देखना स्टार्ट कर दिया है। ऑनर व्यू 20 वर्ल्ड का सबसे पहला अगर मैं कैमरे की बात करता हूँ जो इन डिस्प्ले आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। और अभी सैमसंग का S10 की जो सीरीज़ आई है उसमें सभी के अंदर आपको इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि लेज़र कट के थ्रू आपको स्क्रीन के अंदर कैमरा लगा के दिया जाता है। तो दोस्तों बड़े कमाल धमाल जो है वो आ रही है टेक्नोलॉजी जो है मोबाइल की मार्केट के अंदर। 2019 मुझे लगता है साल एक ऐसा होने वाला है जिसमें और ज़्यादा जोर दिया जाएगा किस तरीके से डिस्प्ले को और बेटर बनाया जा सकता है। और शायद ये साल रहेगा बेजल लेस या फिर पंच होल कैमरा की अगर बात करता हूँ तो, और पॉपअप कैमरास की अगर बात करता हूँ तो। आज मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको पर्सनली किस तरीके का जो डिस्प्ले है वो पसंद है? अगर आपको पंच होल कैमरा देखने को मिले वो आपको पसंद है, या फिर आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिले वो आपको पसंद है, या फिर आपको नॉच वाला डिस्प्ले जो है मतलब वाटर ड्रॉप वाला है जिस भी तरीके की नॉच की आप बात करते हैं वो आपको पसंद है, या फिर आपको सिंपल जो फ़ोन है जो 18:9 आते थे वो आपको पसंद है? तो ऊपर मैं पोल आपको दे रहा हूँ, उसके अंदर ज़रूर अपने जो है राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि इससे हमको पता चलता है किस तरीके का अभी मार्केट के अंदर जो है सिनेरियो चल रहा है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका उस पोल के अंदर हिस्सा लेना। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो और टेक अपडेट्स देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।